आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वे सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही में पूर्ण नदी के तट पर बना हुआ है। बता दें कि मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। मंदिर को बनाने वाला आदमी राजा गाय था। 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में भैंसदेही रघुवीर राजा गाय की राजधानी, कहाँ की राजधानी, महेशमती नाम से जानी जाती थी। कुछ पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि राजा गाय शिवजी का काफी बड़ा भक्त था। ऐसे में उसने अपने नगर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराने का विचार किया। इस मंदिर को तैयार करने हेतु राजा ने उस वक्त के काफी मशहूर वास्तुशिल्पी भाई नागर भोगर को काम पर रखा। राजा ने उन्हें आदेश दिया कि महेशमती में एक गजब का शिव मंदिर का निर्माण कीजिए। खबरों के मुताबिक दोनों भाइयों के संबंध में एक विचित्र बात काफी प्रचलित थी। ऐसा बताया जाता है कि दोनों भाई नंग अवस्था में मंदिर को बनाते थे, साथ ही ये एक ही रात में बड़े से बड़े मंदिर बना डालते थे। हालांकि इस काबिलियत संग उन्हें एक श्राप भी मिला हुआ था कि अगर उन्हें नंग अवस्था में मंदिर बनाते हुए कोई देख लेगा तो वह दोनों पत्थर के बन जाएंगे। जब एक दिन दोनों भाई नंग अवस्था में मंदिर बना रहे थे तो अकस्मात उनकी बहन भोजन लेकर वहां आ गई एवं इन दोनों को उस अवस्था में देख लिया। तत्पश्चात दोनों भाई पत्थर के बन गए एवं इस तरह मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। We'll be right back.